खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र में रविवार किसान अशोक चौधरी 36 वर्षीय खेत से घर की ओर बैलगाड़ी से आ रहा था। रास्ते में नाले में तार टूटा पानी में गिरा हुआ था। किसान को बैलगाड़ी से गुजरने से करंट लग गया, जिससे बैलगाड़ी के दोनों बैलों के साथ किसान आलोक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि एमपीईबी की लापरवाही से घटना हुई है। ग्रामीणों और परिजनों की मांग थी कि एमपीईबी के कर्मचारी अधिकारी यहां पर आए, तभी मृतकों और बेलों को घटना स्थल उठाए जाएंगे। थाना प्रभारी सुनीता मुजालदे और एएसआई रविंद्र बर्डे शकील खान के स्टाफ द्वारा समझाने पर 2 घंटे बाद मृतक और बेलों को उठाया गया। विवाद की स्थिति देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया। समझाइश के बाद शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीएम के लिए लाया गया। से गांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मंडल की लापरवाही के द्वारा हुई है, क्योंकि इन्होंने अवैध कनेक्शन दे रखे थे, उसके कारण तार टूटे हैं। इसमें क्या कौन मृतक कौन थे? मृतक का नाम आलोक है, उसका राधेश्याम चौधरी। कारण क्या बना है? कारण ये बना कि इनकी लापरवाही है, क्योंकि पोल से पोल की दूरी ये मान के चलो कि 300 के आसपास है। इन्होंने बीच में न तो कुछ बांध के रखा है न कुछ रखा है, क्योंकि अभी हल्के से हवा उसमें से तार टूट गया। ये घटना का समय क्या था? ये घटना का समय ये मान के चलो 3:30 तक। अभी अधिकारी आए एमपीपी के? अधिकारी कोई संपर्क में नहीं आया, न विद्युत मंडल का आया, कृषि विभाग से कोई। ग्रामीणों की क्या मांग है? अभी तक उठाने नहीं दे रहे मृतकों को। ये मांग है कि आसपास के एरिया देख के चलो, क्योंकि इनकी लापरवाही है कि आसपास के तार भी इतने नीचे, ये 4 से 5 फीट के आसपास है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।